हेलो डियर स्टूडेंट्स, फोटोकेमिस्ट्री को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स, जेब्लोंस्की डायग्राम वगैरह इनकी तरफ। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या शो किया है आपको, देखो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पेयर्ड स्पिन में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड स्पिन के अंदर। जब पेयर्ड स्पिन में रहेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ, दूसरे की स्पिन माइनस हाफ, तो नेट स्पिन हो गई ज़ीरो। जब नेट स्पिन ज़ीरो हो गई तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? 2s+1 की वैल्यू 1 हो गई, जिसको हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। क्या बोलते हैं? सिंगलेट स्टेट। देखिए जरा कैसे, यहाँ पर टोटल स्पिन निकालो, प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 2s+1 कितना आ गया? 1, और 1 का मतलब ये क्या हो गया? सिंगलेट। तो जो ग्राउंड स्टेट होती है दैट इज ऑलवेज सिंगलेट। अब यहाँ से देखो, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें यहाँ से मिली और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। सपोज़ जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो चेंज नहीं होती। आप लोगों ने ये 5th semester के अंदर पढ़ा है, स्पिन सिलेक्शन रूल, की ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की वो सेम रहती है, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो यहाँ भी देखिए, नेट स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ करके निकालोगे वही ज़ीरो आएगी, और 2s+1 की वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हो गई। कैसी हो गई? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब उसके बाद क्या हो सकता है? देखो, जो सिंगलेट स्टेट है ना, वो अपने आप को ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर सकती है। सिंगलेट स्टेट अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सकती है? ट्रिपलेट के अंदर, बाय स्पिन इन्वर्जन। क्या हो रहा है यहाँ पे? स्पिन इन्वर्जन हो रहा है। देखो, ये जो स्पिन थी इसने अपने आप को इसके अंदर चेंज किया, स्पिन इन्वर्जन हो गया ना यहाँ। अब यहाँ पर नेट स्पिन कितनी हो गई? इसकी प्लस हाफ, इसकी ऊपर वाले की भी प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन हो गई 1। 1 का मतलब 2s+1 कितना हो गया? 3। 3 का मतलब हो गया कि ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज सिंगलेट। कैसी होती है वो? सिंगलेट। एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो ट्रिपलेट भी हो सकती है और सिंगलेट भी हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ एक्साइट होता है? हमेशा सिंगलेट स्टेट में एक्साइट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन होती है, ट्रांजिशन होती है, उसमें हम बोलते हैं ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी या स्पिन चेंज नहीं होती। उसके बाद वो अपनी स्पिन को चेंज करके ट्रिपलेट में आ सकता है। डायरेक्ट सिंगलेट से ट्रिपलेट एक्साइटेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होती। ये चीज़ हमेशा आपने ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो सिंगलेट एक्साइटेशन ही होगी, ट्रिपलेट वाली एक्साइटेशन नहीं होगी। ट्रिपलेट एक्साइटेशन, सिंगलेट स्टेट अपने आप को ट्रिपलेट में चेंज कर सकती है बस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस को हम एक डायग्राम के अंदर पढ़ते हैं जिसका नाम है जेब्लोंस्की डायग्राम, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे क्या है इसके अंदर देखिएगा, मैं आपको एक डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गई आपकी S0 ग्राउंड स्टेट, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है,
डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी जा सकता है। ये है आपका S1, ये है आपका S2, ये है आपका S3। S stands for singlet, first excited singlet state, second excited singlet, third excited singlet। अब इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में जाएगा वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है और S1, S2, S3 में कहीं भी ये जा रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अगर S3 में गया तो वहाँ से ये क्या करेगा, वापस आएगा S2 में। S2 में गया तो वहाँ से वापस आएगा कहाँ, S1 में, और S1 से S0 आने के आपके पास दो रास्ते हैं। दिस इज पाथ वन एंड दिस इज पाथ टू। जो हमारा S3 से S2 तक आना है इसको IC बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। S2 से S1 है इसको भी IC बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। अब बीच में ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी स्पिन चेंज करे और ट्रिपलेट स्टेट के अंदर चला जाए। दिस इज कॉल्ड टी वन, दिस इज कॉल्ड टी टू, दिस इज कॉल्ड टी थ्री। फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आई एस सी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यहाँ से फिर टी वन से वापस आने के भी एस जीरो में दो रास्ते हैं, एक है पाथ थ्री और एक है पाथ फोर। इन बहुत सारे पाथ्स का जो कम्बिनेशन है ये सारा जेप्लोंस्की डायग्राम है, देखिएगा ध्यान से। एस थ्री से एस टू, एस टू से एस वन, ये जो कन्वर्जन है इसको आई सी बोलते हैं। एस थ्री से टी थ्री, एस टू से टी टू वगैरह है जो, इसको बोलते हैं आई एस सी। अब इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट प्रोसेस है हमारा, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एस जीरो से एनर्जी ले रहा है और एक्साइट हो रहा है, चाहे एस वन में, चाहे एस टू में, चाहे एस थ्री में, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसी हिसाब से वो या तो S1 में जाएगा या S2 में जाएगा या S3 में जाएगा। फिर S1, S2, S3 में इलेक्ट्रॉन चला गया, वहाँ से इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, डी एक्साइट। देखो S3 से S2 में आना इंटरनल कन्वर्जन, S2 से S1 में आना भी इंटरनल कन्वर्जन, लेकिन S1 से जब वापस आता है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक है पाथ वन, पाथ वन इज कम्प्लीटली नॉन रेडिएटिव पाथ। क्या बोलते हैं इसको, नॉन रेडिएटिव पाथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज कर रहा है। पाथ वन का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, नॉन रेडिएटिव पाथ। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, सेकंड पाथ, सेकंड पाथ इज रेडिएटिव पाथ। ये जो सेकंड लिखा है, रेडिएटिव ट्रांजिशन, मतलब इसमें क्या है
कि इलेक्ट्रॉन ने जो एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्ब की थी वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ट्रांसफ़र करेगा, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और इसको बोलते हैं इन रेडिएशंस को फास्फोरेसेंस। क्या बोलते हैं? फास्फोरेसेंस। और फास्फोरेसेंस जो होता है वो पाथ टू है, पाथ टू मतलब एस वन से एस जीरो तक आने में जो पाथ टू है वो है रेडिएटिव ट्रांजिशन, जिसको बोलते हैं फास्फोरेसेंस। उसके अलावा देखिए, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज करे और एस थ्री से चेंज हो जाए टी थ्री में, या एस टू से चेंज हो जाए टी टू में, या एस वन से चेंज हो जाए टी वन में। इस फिनोमिना को बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, आईएससी, मतलब एक्साइटेड स्टेट के अंदर सिंगलेट का ट्रिपलेट में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है? आईएससी। और ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी हमेशा सिंगलेट से थोड़ी सी कम होती है। फिर T1 से वापस S0 आने के भी दो रास्ते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर थ्री और नंबर फोर। T1 से नंबर थ्री और नंबर फोर। नंबर थ्री क्या है? अगेन इट इज नॉन रेडिएटिव पाथ, मतलब कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, इट इज कॉल्ड द नॉन रेडिएटिव पाथ। और जो पाथ फोर है इट इज अगेन रेडिएटिव पाथ, कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस आएगी, और रेडिएशंस वाली जो एनर्जी होती है यहाँ पर जो नंबर फोर है उसको हम बोलते हैं फास्फोरेसेंस। तो जेब्लोंस्की डायग्राम के अंदर नंबर टू और नंबर फोर हैं जो, वो हैं आपके रेडिएटिव ट्रांजिशंस। नंबर टू वाला है वो है फ्लोरेसेंस, और नंबर फोर वाला जो है वो क्या है? फास्फोरेसेंस। तो जेब्लोंस्की डायग्राम अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको यहाँ पर ये सारे प्रोसेसेस ब्रीफली एक्सप्लेन करने होंगे कि एक्साइटेशन कैसे हो रही है, फिर वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और कैसे कैसे वापिस आ रहा है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।